दूसरी खबर की ओर, कैथल में सीएम फ्लाइंग ने शहर के नागरिक अस्पताल में छापेमारी कर दी। सीएम फ्लाइंग की अस्पताल में छापेमारी की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग ने कैथल नागरिक अस्पताल में सुबह सुबह रेड कर एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में रजिस्टर खंगाले तथा साथ ही अस्पताल की हर एम्बुलेंस की चेकिंग की गई। डॉक्टर आदित्य गोयल एम्बुलेंस कंट्रोल रूम नोडल अधिकारी ने बताया कि आज कैथल के नागरिक अस्पताल में सीएम फ्लाइंग पहुंची है, जिन्होंने सरकार के द्वारा संचालित नागरिकों की सुविधा के लिए चलाई गई एम्बुलेंस की फिजिबिलिटी चेक की और उसके अंदर रखे गए उपकरण की जांच की, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए, और साथ ही कंट्रोल रूम में रखे गए रिकॉर्ड की भी चेकिंग की गई। गौरतलब है कि आज पूरे हरियाणा में बड़े पैमाने पर एक साथ सरकारी अस्पतालों में सीएम फ्लाइंग ने दस्तक दी है। कैथल से संदीप बागड़ी की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य गोयल है, मैं जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टेड हूँ और एम्बुलेंस के लिए नोडल ऑफिसर हूँ। आज सीएम फ्लाइंग द्वारा यहाँ औचक निरीक्षण किया गया और जिसमें उन्होंने द्वारा सारा रिकॉर्ड, गाड़ियों की व्यवस्था, स्टाफ की पोजीशन सब कुछ चेक किया गया और सारा कुछ जैसा कार्यप्रणाली होनी चाहिए उस मुताबिक पाया गया है। सर, एक एम्बुलेंस में क्या क्या ज़रूरी उपकरण होते हैं, क्या क्या मशीनें, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें रहती हैं? एम्बुलेंस की अलग अलग कैटेगरी हैं, उसके अकॉर्डिंग उपकरण होते हैं। जो ALS, BLS और PT एम्बुलेंस, तीन तरह की कैटेगरी होती हैं। ALS एम्बुलेंस में जो ज़रूरी उपकरण है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, हार्ट मशीन है, मोनिटर है, वो सारा कुछ अवेलेबल है, और एमरजेंसी दवाइयाँ हैं वो सारा कुछ अवेलेबल है जी। और ड्राइवर EMT दोनों अवेलेबल हैं जी सभी गाड़ियों में। तो जिस तरह से बात करें, जो गर्भवती महिलाएं, उनको लाने वाली एम्बुलेंस में क्या कुछ सामान ज़रूरी रहता है, और जो एमरजेंसी पेशेंट रहते हैं कोई एक्सीडेंट में, उनके लिए क्या क्या ज़रूरी सामान होना चाहिए? एमरजेंसी पेशेंट के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट या ALS एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है।